दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में एक अभिनेता अपने किरदार को पर्दे पर कितनी खूबसूरती से निभाता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टीवी इंडस्ट्री में जो अभिनेता एक डॉक्टर की भूमिका को बखूबी निभाता है, वो रियल लाइफ में सिर्फ एक ग्रेजुएट होता है। तो वहीं पर्दे पर कई बार अनपढ़ की भूमिका निभाने वाले अभिनेता बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे होते हैं, जिसकी वजह से अभिनेताओं को देख कर ये अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल होता है कि किस अभिनेता ने कितनी पढ़ाई की है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिर टीवी शो में जो अभिनेता एक कलेक्टर और पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा लेते हैं, वो असल जिंदगी में कितने पढ़े लिखे हैं। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं और रूबरू होते हैं उन सभी अभिनेताओं और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। नंबर वन, करण शर्मा। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शामिल है अभिनेता करण शर्मा, जो कि ससुराल सिमर का में विवान की भूमिका निभाते हुए काफी तारीफें बटोर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इनके क्वालिफिकेशन की, तो आपको बता दें करण शर्मा ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने उत्तराखंड से ही अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। नंबर टू, आकाश आहूजा। टीवी सीरियल थपकी प्यार की 2 में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे अभिनेता आकाश आहूजा इतने कम समय में ही दर्शकों के चहेते बनते जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए कि आपके ये चहेते कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको बता दें कि आकाश आहूजा भी ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से कम्प्लीट की थी। नंबर थ्री, अविनाश मुखर्जी। सीरियल ससुराल सिमर का 2 में आरव ओसवाल का किरदार निभा रहे अभिनेता अविनाश मुखर्जी आज टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित अभिनेताओं में से एक बन चुके हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो आपको बता दें कि अविनाश मुखर्जी भी ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नोएडा के पब्लिक स्कूल से कम्प्लीट की थी। नंबर फोर, अंकित गुप्ता। इन दिनों टीवी सीरियल उदारिया में फतेह का लीड रोल प्ले कर रहे हैं अभिनेता अंकित गुप्ता, अपने इस किरदार को बखूबी पर्दे पर पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि आखिरकार ये एक्टर कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको बता दें कि अंकित गुप्ता भी ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने मुंबई से ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और ग्रेजुएशन की डिग्री भी इन्होंने यहीं से हासिल की है। नंबर फाइव, पारस कलनावत। अनुपमा शो में उनके बेटे समर शाह की भूमिका निभाकर टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बनने वाले अभिनेता पारस कलनावत भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और बात करें आखिर पारस कलनावत की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको बता दें पारस कलनावत एक ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने बीकॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। नंबर सिक्स, नील भट्ट। इस लिस्ट में 6 नंबर पर अपना नाम शामिल करने वाले अभिनेता हैं नील भट्ट, जो कि गुम है किसी के प्यार में एसीपी विराट की भूमिका निभाते हुए हर किसी का मन मोह चुके हैं। वहीं आपको बता दें जिस तरह नील भट्ट शो में एक एसीपी के किरदार में नजर आते हैं, उसी तरह रियल लाइफ में भी ये काफी पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, नील भट्ट ने लॉ में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर रखी है। नंबर सेवन, हर्षद चोपड़ा। वर्तमान में ये सीरियल क्या कहलाता है सीरियल में अभिमन्यु के किरदार से सुर्खियां बटोरने वाले अभिनेता हर्षद चोपड़ा भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और बात करें आखिर हर्षद चोपड़ा कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको बता दें हर्षद चोपड़ा ने PES मॉडर्न कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। नंबर एट, रोहित सुचंती। जी टीवी के पॉपुलर शो भाग्य लक्ष्मी में मुख्य अभिनेता के तौर पर ऋषि ओबेरॉय का किरदार निभा रहे अभिनेता रोहित सुचंती अपने इस किरदार में खूब पसंद किए जा रहे हैं, जहां ये काफी पढ़े लिखे व्यक्ति का किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें कि असल में ये कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको बता दें कि इन्होंने मुंबई के हाई स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट की थी और इसके बाद इन्होंने बेंगलुरु के श्री भगवान जैन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी। नंबर नाइन, कंवर ढिल्लो। स्टार प्लस के शो पांड्य स्टोर में शिवा की भूमिका निभाकर आज एक घरेलू नाम बनने वाले अभिनेता कंवर ढिल्लो भी हमारे इस लिस्ट में अपना नाम शुमार करते हैं। और बात करें इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, तो आपको बता दें भले ही शो में कंवर ढिल्लो ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने BMM यानी कि बैचलर ऑफ मास मीडिया की पढ़ाई कर रखी है।
नंबर 10 गौरव खन्ना। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेता गौरव खन्ना का, जिन्हें आप वर्तमान में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाते हुए देख रहे होंगे, जो कि अपने किरदार से हर किसी के फेवरेट बन चुके हैं। वहीं बात करें कि ये कितने पढ़े लिखे हैं, तो आपको बता दें जहां शो में ये बिजनेसमैन की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं रियल लाइफ में भी इन्होंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की ही डिग्री हासिल कर रखी है। तो दोस्तों, ये थे टीवी इंडस्ट्री के 10 अभिनेता और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप इनमें से किसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकर सबसे ज्यादा हैरान हुए हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।